जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत शाम हो गया है आज, बाजार भी जाना है। हेलो दोस्तों, हाय, माय यूट्यूब चैनल बेबी ऑफिशियल 385 में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कमरे में भी है फिलहाल में, और हम बिस्तर को झाड़ रहे हैं, बहुत सारा काम है। देख सकते हैं अभी निकले भी नहीं है सुबह से ही इसी कमरे में, और आज जल्दी हम काम वाम करने बैठ गए थे, और सुबह 11 बजे से लेके अभी तक यहीं पे कमरे में ही है दोस्तों, काम कर रहे, तो टाइम नहीं मिला, तो अब उठ गए हैं क्योंकि अब काम वाम करना है, शाम हो गया है। तो एक बार चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। वाह, आ गए उजाले में, देख सकते हैं आप, ये देखिए उजाले में आ गए हैं छत की तरफ अब। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा घूम लेते हैं छत पे, क्योंकि काम कर रहे थे सुबह से बैठ के, तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है, कमर वमर सारे पैर हाथ सारे दर्द हो रहे हैं बैठे बैठे, इतने घंटे बैठ गए। और जल्दी जल्दी आज सुबह हम 9 बजे काम घर का ख़त्म कर लिए थे, 9:30 बजे, फिर हम 11 बजे बैठ गए थे अपना काम करने के लिए, जो कि मैं कल वीडियो में बताई थी क्या काम था, वो भी मैं दिखा दूंगी। आज वही काम कर रहे थे इसलिए थकान हो गई है, और फिलहाल अभी छत पे है और अभी बैठना नहीं है मुझे, और बहुत सारे काम है, और बाजार भी जाना है मुझे सब्जी वगैरह लेने रात को। और दोस्तों नीचे उसमें गाय आ रखी है, लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं क्या है इसलिए मैं देखने लग गई। 2-3 गाय है इधर, खाली प्लॉट है ना इधर की तरफ, तो 2-3 गाय है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारे तुलसी भी सारे पेड़ सूख गए, तुलसी का पता नहीं क्यों 3 पेड़ सूख गए हैं तुलसी के, शायद ये बहुत बड़े हो गए थे और रोज मैं पानी डालती थी, फिर भी पता नहीं क्यों कैसे सूख गया है। और इधर वाला पेड़ जो है ना, जो लगा हुआ है अभी तक, मैं रोज इसमें पानी इसमें डालती हूँ, ये देखिए ये तो हरा भरा है अभी, ये ठीक है। और दोस्तों बस यहाँ पे हम 10 दिन और है इस मकान में, उसके बाद तो हम अपने में चले जाएंगे यहाँ से खाली करके, और बहुत दिन बाद यहाँ से जा रहे हैं, 20 साल बाद जाएंगे दोस्तों यहाँ से। और देख सकते खाली प्लॉट है, अभी दिखा रहे हैं एक बार, ये देखिए दोस्तों छत का, और छत के नीचे ये है, ये देखिए गाय, ये खाली प्लॉट है छोटा सा, और देखिए 2 गाय माता आई है हमारे इस प्लॉट में घूमने के लिए। और रोटी तो हमारे पास नहीं है जो मैं इनको दूँ खाने के लिए, आज में हम चावल बनाए थे दिन में, और देख सकते इस कट्टे में, देखिए इस कट्टे में गेहूँ था, तो नीचे वाले भाभी जो है ना ऊपर से गिरा दिए हैं, तो गाय उसी को खा रही है देखिए। और दोस्तों उस गेहूँ का कहानी तो बहुत बुरा ही है समझ लीजिए, देखिए आप लोगों ने दोस्तों। तो चलिए फिर उधर की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं, और बस इधर देखिए आ गए हैं। और सॉरी दोस्तों, कूलर की आवाज ही आ रही है, और हमारे घर में तो बहुत सारे चूहे हो गए हैं दोस्तों, और चूहे ने तो जीना ही दुर्लभ कर दिया है, इतने सारे चूहिया हो ना, वही होती है चूहिया, वो हो गया बहुत ज्यादा। वो जो गेहूं का कट्टा था ना दोस्तों, उस गेहूं का कट्टा जो रखा हुआ था बहुत दिनों से ऐसे खुला हुआ, उसमें इतने सारे चूहिया आ गए थे, और इतने छोटे छोटे बच्ची, और नीचे से लेकर ऊपर तक मकान में सारे में चूहिया हो रखे बहुत ज्यादा। आज सुबह हम किचन साफ कर रहे थे ना, तो 8 चूहिया के बच्चे निकले थे, और दिन में जब थोड़ा सा सोने गए थे, थक गए थे काम करते करते, तो थोड़ा सोचे क्या सो जाते हैं, सोने गए थे तो सोने नहीं दिया दोस्तों, इतने सारे चूहिया, कभी ये काट रहा कभी वो काट रहा कभी वो काट रहा, तो देख सकते कैसे सामान फैला रखे हम, कभी ढूंढने लग जाते हैं चूहों को, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो देख सकते हैं दोस्तों। और गोलगप्पा रख रखे थे ना, तो गोलगप्पा के पन्नी में से गोलगप्पा खींच खींच के और खाने लग रही थी चिड़िया, ये देखे हैं। और थक गए थे दोस्तों बहुत ज्यादा, अभी भी पैर में दर्द हो रहा है बैठने उठने में, क्योंकि बहुत देर कंटिन्यू बहुत देर कई घंटे हम बैठे रह गए ना, इसीलिए दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हमने माल बनाए थे ना बैठ के, तो इसीलिए देखिए एक बार, ये देखिए दोस्तों ये वाला इतना माल आज बनाए हैं, वो तक गए, ये 80 पीस है, और 80 पीस हमने आज बनाए हैं इसको, ये देखिए, ये देखिए मशीन वशीन अभी हम बंद कर दिए हैं फिलहाल में, और मैं बहुत थक चुकी हूँ बैठे बैठे, इसलिए सोचे क्या थोड़ा सा घूम लूँ और आप लोगों से बातें कर लूँ। अब थोड़ी देर में इसको उठाएंगे, गिनती वगैरह कर देंगे पन्नी में, क्योंकि दोस्तों बहुत देर आज बैठ गए हैं ना, तो तबीयत खराब होने का डर है, अभी तो जस्ट 1 दिन पहले ही तबीयत ठीक हुआ है, और मैं बहुत बीमार थी, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा था दिखवाने, इतना बीमार थी मैं, तो इसलिए थोड़ा सा घूम वगैरह लेते हैं। और दोस्तों उस दिन जो हमने पेड़ लगाए थे, वो पेड़ बहुत हरे हरे हो चुके हैं, और उस दिन वाले वीडियो में बताई थी मैंने आपको,
देखिए दोस्तों ये वाला, ये देखिए दोस्तों ये वाले पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब बाकी पेड़ पीछे दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए सीढ़ियों पे इतने सारे, ये देखिए बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम इसको लेके जाएंगे जब खाली करेंगे यहाँ से तो दोस्तों। चलिए थोड़ा ऊपर ही चल पड़ते हैं सीढ़ियों पे। और दोस्तों कूलर चल रहा है नीचे, तो इसलिए वॉइस आ रही है कूलर की, तो सॉरी उसके लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ है हमारे, ये देखिए बहुत सारे नीचे तक है पेड़। और दोस्तों ये जीना पे आ गए हम। और दोस्तों आज जीना को थोड़ा सा हम साफ किए थे, जीना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था यहाँ पे, तो इसको झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं। और यहाँ जो होता है ना कुछ काम का सामान वामान तो रख देते हैं यहाँ पे, तो आज हमने सीढ़ियों पे झाड़ू वगैरह लगा दी ऊपर वाले तीसरी मंजिल पे, क्योंकि नीचे जगह नहीं था ना तो ऊपर हम रख दिए थे सामान सामान। और ये भी माल ही है कुछ जो हम माल बनाते हैं, इसमें जो है ना हमें वो लगाना पड़ता है, मोती ही लगाना पड़ता है इसमें, ये भी पट्टी में। और इधर भी रख रखे हैं, और इसमें भी हमारे हस्बैंड जी के कुछ काम का सामान है, नीचे जूते चप्पल बच्चों के, और इसमें भी हस्बैंड जी का काम का ही कुछ कुछ सामान रखा रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे ये जीना भी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी आज। और दोस्तों मुझे जान बूझ के इधर उधर इधर उधर जाके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है मुझे। मैं अपना कमरे में भी बैठ के बना सकती थी, वहाँ भी बोल सकती थी मैं, आप लोगों से बातें कर सकती थी, और नीचे भी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि मेरी वॉइस जाती है इधर उधर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कमरे में बात करूँगी तो उधर छत की तरफ जाती हूँ तो भी छत की तरफ लोग आके देखते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। आखिर में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कैसे करूँ वीडियो को, कैसे अपलोड, कैसे शूट करूँ, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। फिर भी मैं किसी न किसी तरह चोरी छिपे मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ बना के, उसके लिए तो क्या कहना है दोस्तों आपको। चलिए उतर जाते हैं एक बार हम। और दोस्तों आज पता है दोस्तों आज हमारा मंगल बाजार है, शाम को बाजार लगेगा तो मैं बाजार जाऊंगी आज हरी सब्जी लेने। आज हरी सब्जी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सुबह हमने दाल चावल बनाए थे और बैंगन जो होते हैं ना उसके भुजिया बनाए थे। और बस अब थोड़ी बहुत सफाई सफाई कर लेंगे, माल वाल जो बनाए थे उसको हम उठा लेंगे अब। और आप लोगों से बातें कर लिए हैं तो थोड़े सांस से चलने लग गए हैं, क्योंकि कई दिन से हम बीमार थे ना तो इसीलिए। और दोस्तों देखिए चूहे की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, हमारे पास इतने चूहे हो गए ना बहुत ज़्यादा, हमारे घर में चूहे 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 हो गए हर जगह हर जगह। कभी रोटी खींच के ले जाते, कभी कुछ कभी कुछ। हम दो दिन से प्लास्टिक के चम्मच ढूंढ रहे थे, कहाँ कहाँ आज मिला मुझे प्लास्टिक के चम्मच कहाँ। देखिए टिफिन में रोटी रख रखे थे, देखिए एक उधर भी भाग गया चूहा, उसको भी कतर रखे चूहे ने अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया से। पकड़ना पड़ेगा इस चूहे को। और देख सकते हैं दोस्तों हम कॉफ़ी की लड़ी ला के रखते हैं इसलिए, क्योंकि मेरे बीपी ज़्यादा ज़्यादा लो हो जाता है, मेरे बीपी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम कॉफ़ी की लड़ी ला के रख देते हैं और पीना पड़ता है। तो अभी दो दिन से खासकर मैं ज़्यादा ही बीमार थी तो इसलिए अभी सारा सामान रख दिए हैं। रात को मेरे हस्बैंड जी बोले हैं जो अंगूर खा लो, सेब आम ला के दिए थे, और दूध तो रोज़ बोलते हैं पी लिया करो, क्योंकि मेरे अंदर डॉक्टर ने बताया खून की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मेरी तबीयत अभी तीन चार दिन से ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और आँखें से पता लग रहा है आप लोगों को, आँखें अजीब से हो रखे हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा तो यही सब चलता ही रहता है, घर के काम सुबह से शाम तक, बच्चों को संभालना, हस्बैंड जी को देखना, ऊपर से कुछ काम वगैरह करना, माल बनाना, और चूहे घर के चूहे भी भगाने पड़ते हैं, उसमें भी तो मेहनत लगता है ना। तो आप लोग सुनाइए आप लोग कैसे हैं, क्या है नहीं है, हमारे वीडियो को पसंद करा करिए। और इतने मुश्किल से हम मुश्किल से बनाते हैं तो उसके लिए क्या कहना, बहुत मुश्किल से बनाते हैं, कोई जानता नहीं हमारे वीडियो के बारे में, सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे जानते हैं, चौथा कोई भी नहीं जानते। और यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे, मेरे वीडियो में कभी मेरे बच्चे नहीं आते हैं, मैं खुद अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, अकेले सब कुछ करती हूँ, वो नहीं आते, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। और आप लोग साथ देंगे और थोड़ा बहुत जो भी ग्रो हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मुझे कामयाबी मिल जाए तो सबके सब खुश हो जाएंगे और मैं बताऊंगी। और मुझे नहीं पता जो वो दिन कैसा होगा जब मैं अपने हस्बैंड जी को बताऊंगी, और वो कैसे बताऊंगी मुझे कुछ भी नहीं पता है कुछ भी। और यहाँ पे बहुत खुला था छत वगैरह, पीछे जैसे हम रहते थे रूम वगैरह है देख सकते हैं, और छत पे हम जैसे रहते थे, सामने ही रहना, खाना पीना उधर बनाते आ जाते थे यहाँ पे।
तो अब अपने में जाएंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए खुशी है जो हम अपने में जाएंगे। और ये हमारा रूम छोटा सा, ये देख सकते हैं। इसमें अभी जो है ना नीचे वाले भाभी है ना, वो वाईफाई यहाँ से उतार के ले गए थे, नीचे लगाए हैं, तो इसलिए ये दीवारों में जो है ना टेप का निशान देख सकते हैं, सारे दीवारों में आ गया है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों अब जा रहे हैं काम वगैरह करने, शाम हो गया है ना, खाना भी बनाना, काम भी करना। मेरे हस्बैंड जी आएंगे तब तक मुझे तैयार करना पड़ेगा, और फिर रात में मुझे बाजार भी जाना है सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी भी लाना है, और ऊपर से जितने भी हम माल बनाए हैं तो माल भी मुझे उठाना है सब पन्नी में और सब कुछ। और गेट पे वहाँ पे चूहा छोटा सा है ना, वो खेल रहा है, उसको देख के हंसी आ गई, लुढ़क रहा है वो चूहा। और इधर बालकोनी की तरफ आ गए हैं, ये दूसरा जीना का इधर उतरने का। और वो जो है ना गेहूँ यहीं पे रखा हुआ था, ये संदूक रखा हुआ है देखिए, और गेहूँ का कट्टा यहीं रखा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे चूहे हो गए थे यहाँ पे। और दोस्तों हमारा जब नेट ख़त्म हो गया था ना, फ़ोन तो रिचार्ज ही नहीं, अभी भी नहीं है। और उधर का जो हम वाईफाई चलाते थे किसी के, तो उनका भी रिचार्ज नहीं था, तो इधर से किसी का पकड़ता था। तो दो दिन मैं यहीं पर खड़ा होकर मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी। और थैंक यू सो मच आप लोगों को उस शॉर्ट वीडियो में, जो आप लोगों ने प्यार दिए हैं ना, रिस्पांस दिए हैं ना, मतलब क्या कह सकते हैं हम, मतलब कि उस वीडियो में मुझे 7,000-6,000 करके ऐसे करके मुझे व्यूज़ मिले हैं शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप लोगों को दिल से बोलना चाहते हैं। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं काम करने, और देख सकते हैं शाम के टाइम हो गया है, उजाला दिख रहा है। बाकी वहाँ पर गली की लाइट जल गई है, खंभे की लाइट जल रखी, वो देख सकते हैं अब जल गई है खंभे की लाइट। और अब थोड़े थोड़े शाम हो गया, आज गली की लाइट जो है जल्दी जला दिया गया है, पता नहीं क्यों। तो चलिए दोस्तों फिर उम्मीद करूंगी ब्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ 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 आप लोग जो है ना लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा हम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो कैसे वीडियो लगी आप लोगों को। क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ फैमिली से चुरा के, सब कुछ करके, घर के काम, दो बच्चों को संभाल के, घर का माल बना, सब कुछ करके, और चोरी छिपी से यहाँ आके मैं मेहनत करती हूँ, इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, उम्मीद करूँगी ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिर लव यू हमारे यूट्यूब फैमिली, ओके बाय, खुश रहें और खुशियाँ देते रहें।